हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल बायो कोऑर्डिनेशन सो लास्ट लेक्चर में हमने अपना पार्ट वन कंप्लीट किया था इस लेक्चर में हम क्या करने वाले सेक्शन टू जो कि पूरा डिजीज पे बेस्ड है ठीक है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिजीजेस पढ़ेंगे हम इसमें सो सबसे पहले आज हम किस पे स्टडी करने वाले हैं अमेबिया पे ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक वट इज अमेबियास ऑल्सो नोन एज अमेबिक डिसेंट्री इट्स कंपनी इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टाइन अट्रैक्ट कहा होता है ये ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है विच अफेक्ट 15% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ठीक है अब ये किस पैरासाइट से होता है ठीक है तो एंटामेबा हिस्टोलिटिका पैरासाइट का नाम है उस आ, उसकी वजह से उस पैरासाइट की वजह से ये डिजीज हमें कॉस्ट होता है सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके तो सबसे पहला सिम्टम है एडोमिनल पेन फिर कॉन्स्टिपेशन ब्लड इन द स्टूल एंड हिपैटोमैगेली हिपैटोमेगेली क्या होता है हमारे लीवर में ना अगर ज्यादा ये हो जाता है ज्यादा सीवियर हो जाता है तो लीवर में ना स्वेलिंग आ जाती है उसी को कहते हैं हिपैटोमेगेली ठीक है अकर्स ए पैरासाइट एंटर्स दे लीवर ठीक है लीवर डेवलप्स अमेबे लीवर एप्सिस अम्पेन्ड विद फीवर एंड पेन इन राइ, राइट राइट में आपको पेन होगा ठीक है और फीवर भी हो सकता है आपको नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहाँ से ये ट्रांसमिट होता है कहाँ से ये मतलब हमारे तक आ, हमको कैसे कॉज होता है मतलब ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन पहला तो है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर अगर आप कंटामिनेटेड फूड और वाटर का इंटेक करते हो तो ये आपको हो सकता है सेकेंड बैड सैनिटरी कंडीशन थर्ड इज डर्टी हैंड एंड लेस ऑफ पर्सनल हाइजीन सो टू प्रॉपर हाइजीन अगर इस uh, अमे वैसे से बचना है तो ठीक है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वॉश हैंड विथ हॉट वाटर ठीक है गर्म पानी से हाथ धोना चाहिए हमको एंड सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स एंड चेंजिंग बेबीज डायपर अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप उसका डायपर चेंज करते हो ठीक है क्यो, क्योंकि ऐसे लोगों के घर में क्या होता है ना डिजीज फैलने का चांसेस ऐसे डिजीज फैलने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है जैसे एसकेरियास और एम ये दोनों डिजीज फैलने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो क्या करना चाहिए हमको वॉश हैंड्स विथ हॉट वाटर एंड सोप सेकेंड क्या कर सकते हैं बॉइल्ड uh, वाटर हम इनटेक कर सकते हैं अदरवाइज वाटर मस्ट बी क्लोरिनेटेड एंड फिल्टर्ड अगर आप बॉइल्ड वाटर इनटेक नहीं करते हो तो फिल्टर्ड वाटर हमको इनटेक करना चाहिए ठीक है अवॉइड इटिंग अनहाइजेनिक फूड इधर उधर का खाना बंद करना चाहिए वेजिटेबल्स मस्ट बी प्रॉपरली वॉस्ड एंड कोक्ड जो सब्जियां रहती हैं उसमें क्या हो उसमें भी ये uh, जो पैरासाइट है ये प्रेजेंट रह सकता है या इसके एग्स प्रेजेंट रह सकते हैं ठीक है ठीके? तो वेजिटेबल्स मस्ट भी प्रॉपरली वॉश्ड इनको अच्छे से धोना चाहिए फिर कुक करना चाहिए प्रॉपर सैनिटरी फैसिलिटीज इंक्लूडिंग सीवेज डिस्पोजल हेल्प इन प्रिवेंशन ये ये हम काम करेंगे तो हम इससे बच सकते हैं ठीक है सो दीज पॉइंट्स जो ये प्रिवेंशन के तरीके हैं इसको हम अपना के इस डिजीज से क्या हो सकते हैं बच सकते हैं अब इसको डायग्नोस कैसे करेंगे तो नेक्स्ट इज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट क्या है इसका अमेबियास का डायग्नोसिस कैसे होता है स्टूल का सैंपल लिया जाता है अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपके स्टूल का सैंपल मांगेगा ठीक है स्टूल का सैंपल मांगेगा फिर इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगा लैब में ठीक है तब पता चलेगा कि अमीबियासिस हुआ है या कुछ और है अमीबियासिस ट्रीटेड बाई दो ड्रग है मेट्रो एंड हैच कैन बी डिस्ट्रॉय द एंटामेबा एंटामेबास्टोलेटिका इन डाइजेस्टिव ट्रैक ये दो ड्रग लेने से क्या होता है हाँ, वो जो पैरासाइट रहता है उसको ये क्या करता है ड्रग डिस्ट्रॉय कर देता है ठीक है दो ड्रग बताया एक मेट्रोनिडाजोल एंड टेनिडाजोल ये दो ड्रग है ओके सो हमारा यहाँ पे अमीबिया से सोवर हुआ नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट डिजीज पे बात करेंगे तब तक के लिए थैंक यू सो मच